हेलो फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सुहाना सफ़र। और आज हम बनाने जा रहे हैं मैदे के नमक पारे, जो भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, बच्चों को काफ़ी पसंद आते हैं। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए हमें एक बाउल मैदा लिया है, ये तकरीबन ढाई आधी किलो मैदा है, नमक, अजवाइन, रिफाइंड ऑयल और थोड़ा गुनगुना पानी। अब सबसे पहले हम इसमें स्वाद अनुसार नमक लेंगे, तो मैंने स्वाद अनुसार नमक ले लिया है। अजवाइन ऐड करेंगे और इसमें बीच में गोल बनाकर तेल थोड़ा ज़्यादा डालना है, तो हमारे शक्कर नमक पारे क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह से हमें आटा गूंथ, तेल को आटे में अच्छे से मिला लेना है। देखिए तेल को अच्छे से आटे में मिला चुके हैं। अब इसमें हमें धीरे धीरे पानी ऐड कर कर आटा तैयार करना है। हमें थोड़ा सख्त आटा गूंथना है, जो आसानी से बिल जाए, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा सख्त। इस तरह से हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथना है। देखें आटा गूंथ कर तैयार हो चुका है। अब इस आटे को हमें 10 मिनट तक रेस्ट देना है, तो कि आटा अच्छे से फूल कर सेट हो जाए। तो अब इसे हमें ढककर 10 मिनट के लिए रख देते हैं। 10 मिनट के बाद हम आपको इसके नमक पारे बनाकर बताएंगे। देखिए आफ्टर 10 मिनट बाद हमारा आटा एकदम से सॉफ्ट स्मूथ हो गया है। अब इसको हमें लोच लगा लेते हैं, अच्छे से मसल लेते हैं। अब इसमें से हमें इतना बड़ा पेड़ा लेकर इसे राउंड अच्छे से मसल मसलना है, हाथों से मसलना है अच्छे से। फिर इस पर रख के बेल लिए। देखिए पूरी तरह से बिल चुका है। इसे आपको बीच में चेक करते रहना है, उठाकर अगर नहीं उठ पाएगा तो आपके नमक पारे निकल नहीं पाएंगे। अब इसे हम नाइफ की हेल्प से काटेंगे। देखते हैं हमारा तेल गरम हुआ है या नहीं। हमने एक तरफ तेल गरम करने रखा था, इसमें आटा डालकर देखते हैं। देखिए तेल हो चुका है। अभी इसमें हम एक एक करके हमारे नमक पारे आराम से साइड से डालिए। हमें इसे ब्राउन होने तक तलना है तेल में। इसी तरह से अलट पलट कर आप तलते रहिए, डीप फ्राई करते रहिए। देखिए अच्छे से क्रिस्पी और ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं।
देखिए हम वो मैंने लंबे बनाए थे, और बच्चों को ज़्यादातर छोटे छोटे साइज पसंद आते हैं, तो हम इस तरह से छोटे भी बना सकते हैं। एकदम पास देखिए, इस तरह से बिल्कुल छोटी साइज के भी बना सकते हैं। अभी हमें तेल में डालते हैं, देखिए चाकू की हेल्प से इस तरह से निकाल कर सीधा तेल में डालिए आप। इसमें भी हमें देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब हमें इन्हीं के भी टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं आराम से। देखिए दो तरह से नमक पारे तैयार है, या तो आप चाहें तो छोटे साइज के भी बना सकते हैं, या इस तरह से लंबे सांख भी बना सकते हैं।